बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप बच्चों आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अपना नेक्स्ट टॉपिक शेप्स। तो बच्चों, आपको कुछ शेप्स आपने अपने अराउंड देखी होंगी, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट टॉपिक शेप्स। शेप्स सो वी विल डू सम एग्जांपल टू नो टाइप्स ऑफ शेप्स। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? शेप्स। तो बच्चों, 2D शेप्स के बारे में, क्योंकि जो छोटे बच्चों की क्लासेस होती है उसमें क्या शेप्स आती हैं? 2D शेप्स। दिस इज ए ट्रायंगल, दिस इज ए ट्रायंगल एंड दिस इज ए रेक्टेंगल, दिस इज ए सर्कल एंड दिस वन इज स्क्वायर शेप। तो बच्चों, ये क्या है? 2D शेप, जिसमें क्या होती है? एक लेंथ होती है और एक क्या होता है? ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बच्चों, ट्रायंगल शेप में क्या क्या होता है? देखो बच्चों, जैसे ये क्या है? एक ट्रायंगुलर शेप, दिस इज ट्रायंगुलर शेप, ठीक है बच्चों। एंड दिस वन इज रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप में क्या हो जाता है? जैसे हम घर में क्या देखते हैं? LED देखते हैं, TV देखते हैं ना। तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है? LED TV, इसमें क्या होता है? टू साइड्स आर इक्वल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। मतलब अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल, एंड दिस साइड इज इक्वल। तो बच्चों, नेक्स्ट शेप क्या है? सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप में क्या होता है? राउंड, गोल, जैसे हमारा सन हो गया, मून, अर्थ, ये तीनों क्या है? राउंड, गोल, सर्कल की शेप में है, बॉल, ठीक है बच्चों। और क्या क्या कर सकते हैं हम? गोल बैलून को हम गोल शेप में ले लेते हैं, ऑरेंज गोल शेप में होता है, तो ये क्या होगी? सर्कल की शेप। एंड दिस शेप इज स्क्वायर शेप। इस शेप में क्या होता है? फोर साइड्स आर इक्वल, इसमें चारों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे ये क्या है? ब्लैक बोर्ड इज आल्सो स्क्वायर शेप, एंड डस्टर इज रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है बच्चों। स्क्वायर शेप में और क्या बता सकते हैं हम? This box is square shape. And this box is also square shape. जैसे ये आपके क्राफ्ट पेपर है, ये this paper is also square shape. And rectangular shape में lunch box, जो आप recess time में use करते हो, lunch box किस shape में है? Rectangular shape में। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, दिस शेप इज इक्वल टू दिस शेप, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो ये रेक्टेंगुलर शेप में हो गया। फोन भी क्या होता है? रेक्टेंगुलर शेप में। और जो हम यूज करते हैं लैपटॉप, लैपटॉप इज आल्सो रेक्टेंगुलर शेप। नाउ नेक्स्ट 3D शेप्स। तो बच्चों, अब हम क्या स्टडी करेंगे? 3D शेप्स, ठीक है बच्चों। दिस शेप इज कोन शेप। तो कोन शेप बच्चों, आपको पता है कहाँ होती है यूज? जैसे आप बर्थडे पार्टी में जाते हो तो अपने हेड्स पे क्या लगाते हो? बर्थडे कैप। तो अभी तो बर्थडे बॉय बोलते हैं, बर्थडे गर्ल बोलते हैं ना, तो बच्चों बर्थडे कैप इज आल्सो कोन शेप, ठीक है ना। तो बर्थडे कैप क्या होती है? कोन शेप में। और कौन कौन सी शेप होती है? दिस इज आल्सो कोन शेप। तो बच्चों, ये देखो, ये भी क्या है? एक कोन शेप है। एंड नेक्स्ट शेप इज सिलेंड्रिकल शेप। जैसे मम्मा यूज करती है बेलन, सिलेंडर, और आपकी वाटर बॉटल इज आल्सो सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है बच्चों। पेंसिल, चौक इज आल्सो सिलेंड्रिकल शेप। तो बच्चों, ये सब क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है, जिनमें इनकी क्या होती है? एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, एक हाइट होती है। और 2D डायमेंशन में क्या था? लेंथ इंटू ब्रेथ, ओनली लेंथ होती है और ब्रेथ, और इसमें क्या इंक्लूड है? हाइट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट शेप कौन सी है? क्यूब। क्यूब शेप में क्या आ जाता है? जैसे आप चौक का डिब्बा यूज करते हो ना, वो क्या है? क्यूब शेप में। एंड
दिस बॉक्स इज आल्सो क्यूब शेप. दिस बॉक्स इज आल्सो क्यूब शेप. दिस इज अ लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट. ठीक है बच्चों, तो समझ आ गया होगा आपको ये 3D शेप्स. कौन सिलेंड्रिकल क्यूब जिसमें क्या होती हैं, 3 डायमेंशनल होती हैं, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट. तो बच्चों आपको ये शेप्स का सारा समझ आ गया, 2D शेप्स एंड 3D शेप्स. तो नेक्स्ट क्लासरूम. तो बच्चों क्लासरूम में क्या है, देयर इज ए ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक यूज बाय टीचर, बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इरेजर. एट ब्रेक टाइम क्या होता है, टिफिन्स होते हैं, वाटर बॉटल होती हैं. ठीक है बच्चों, तो सो बच्चों अब आपने क्या करना है, टेल मी कौन सी चीज़, कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी शेप में है. तो बच्चों चौक, पेन, पेंसिल, वाटर बॉटल क्या है, सिलेंड्रिकल शेप. बट पेन और पेंसिल क्या है, इज ए कोन ऑन द टॉप. पेन और पेंसिल क्या है, टॉप से कौन शेप में है. अगर हम पेन और पेंसिल को फुल देखते हैं, जैसे पूरी तरह देखते हैं, तो वो सिलेंड्रिकल शेप में है, पर एट द टॉप देखते हैं तो कौन शेप में है. तो बच्चों आपको इस सीनरी में समझ आया कि कौन सी चीज़ सिलेंड्रिकल शेप में है, कौन सी कौन शेप में है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में. जैसे इस पिक्चर में जो मैम का ब्लैक बोर्ड है वो क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में. ठीक है बच्चों, जो सीनरी है वो भी रेक्टेंगुलर शेप में है. क्लॉक क्या है, राउंड शेप में, मतलब सर्कल शेप में. और ज्योमेट्री भी क्या होती है, ऑल्सो रेक्टेंगुलर शेप. तो बच्चों नेक्स्ट सीनरी, ए बर्थडे पार्टी. तो बच्चों एक बर्थडे पार्टी में क्या क्या होता है, केक, गिफ्ट्स, बर्थडे कैप, सम ईटिंग आइटम जैसे लाइक पैटी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल डेकोरेशन, बैलून्स एट्सेट्रा. तो बच्चों इसमें आपने जो मैंने थिंग्स बताई हैं उसमें बताना है कि कौन सी ऑब्जेक्ट्स कौन सी शेप में है. तो बच्चों केक एंड बैलून्स क्या होते हैं, सर्कुलर शेप में आलमोस्ट. ठीक है ना, आलमोस्ट केक और बैलून क्या होते हैं, सर्कुलर शेप में. और गिफ्ट्स क्या होते हैं, स्क्वायर शेप में. बर्थडे कैप और पैटी क्या होती है, कोन शेप में. और आइसक्रीम भी क्या होती है, जो कोन्स वाली होती है, कोन शेप में होती है. और कैंडल क्या होती है, सिलेंड्रिकल शेप में. कोल्ड ड्रिंक्स आर इज आल्सो सिलेंड्रिकल शेप. तो बच्चों इस बर्थडे पार्टी में भी आपको समझ आ गया कौन कौन सी चीज़ किस शेप में है. बैलून्स और केक क्या होते हैं, सर्कल. बर्थडे कैप और पैटी, आइसक्रीम कोन, ये किस शेप में होते हैं, कोन में. और कैंडल्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में है. तो बच्चों आपको ये टॉपिक अब समझ आ गया होगा इतनी एग्जाम्पल्स के साथ. नाउ ओपन योर बुक्स पेज नंबर 10. Shapes around us. Put the shape in the pink and yellow boxes by drawing a line. तो बच्चों see the picture and tell me कौन सी object yellow box में जाएगी और which objects pink box में जाएगी. तो बच्चों this is a orange, this is a ball, this is a tomato and also this is a balloon. तो बच्चों ये किस बॉक्स में जाएंगी, येलो बॉक्स में. ये 4 ऑब्जेक्ट्स किस में जाएंगी, येलो बॉक्स में. तो बच्चों दिस इज़ ए चॉक बॉक्स एंड दिस इज़ ए बॉक्स एंड दिस इज़ आल्सो बॉक्स, दिस इज़ एन आल्सो बॉक्स. ये किस बॉक्स में जाएंगी, पिंक बॉक्स में. तो बच्चों आपको इस पिक्चर में समझ आ गया, जो राउंड शेप है वो येलो बॉक्स में जाएंगी, जो क्यूब शेप में है वो किस शेप, पिंक बॉक्स में जाएंगी. तो नेक्स्ट, सी द पिक्चर, मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग ए लाइन. तो बच्चों इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो हमको सेम ऑब्जेक्ट लगती है. तो बच्चों दिस इज ए बॉक्स, तो ये बॉक्स इसके साथ मैच करेगा. और ये चौक है, चौक भी क्या है, एक क्यूब बॉक्स में है. और ये क्या है, डाई. डाई क्या करते हैं हम, जो लूडो खेलते हैं बच्चे. तो ये भी क्या होती है, क्यूब शेप में. ये भी जाएगी इस बॉक्स के साथ मैच करेगी. तो ड्रॉ ए लाइन, दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स, क्योंकि ये कौन सी शेप में है, क्यूब शेप में. एंड दिस वन इज टोमेटो, दिस वन इज बैलून, दिस वन इज बॉल एंड दिस वन इज बॉल. तो बच्चों ये क्या है, राउंड शेप में. ये है सर्कुलर शेप में. ये बॉल के साथ क्या करेंगी, ये सारी मैच होएंगी. तो बच्चों इनको ड्रॉ करना है एक लाइन के साथ सेम
शेप्स के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड टॉपिक शेप्स बाय दिस वीडियो। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर सॉर्टिंग। तो बच्चों टिल देन गुड बाय। आई हैव सीन सो मैनी व्यूज बट यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर। गुड बाय।